चौंकिएगा नहीं, लेकिन हम आपके एक सीक्रेट को जानते हैं। आपको चॉकलेट बहुत पसंद है, बिल्कुल हमारे हीरोज की तरह, और अभी आपके पास इसे देखने का अवसर है। मोनिका, आओ देखते हैं कि कौन पहले शुरू करेगा। वाह, मैं पहले जाऊंगी। अच्छी शुरुआत। वाह, ओरियो कुकीज। मुझे यकीन है कि यह चॉकलेट के साथ बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन पहले मैं इसे बिना किसी एडिटिव्स के खाऊंगी। जैक, देखो अंदर कितनी क्रीम है। बढ़िया, लेकिन इसके बिना भी कुकीज बहुत स्वादिष्ट है। मुझे और चाहिए। मुझे लगता है यह सब बहुत छोटा होगा। मेरे पास एक आइडिया है। ओरियो क्रीम का एक लंबा टावर बनाने की जरूरत है। ये बहुत अच्छा निकलेगा, तुम देखना। खैर, केवल एक कुकी बची है। मेरा काम लगभग हो चुका है। मैं स्टफिंग निकाल कर प्लेट में रख देती हूँ। रुको, मुझे यह नहीं खाना चाहिए। मुझे इसे अपने मीठे आइडिया के लिए छोड़ना होगा। सुंदर कुकी है ना? यह बहुत अच्छा निकला। अब तुम चॉकलेट डाल सकती हो। तुम सही हो, समय आ गया है। अब सबसे अच्छा पल है। चॉकलेट कितनी खूबसूरती से बहती है। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं सब कुछ अपने मुंह में डालने और इसे खाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। चबाना कितना मुश्किल है। मुझे आशा है कि मैं इसे संभाल सकती हूँ। वाह, मेरे गाल लगभग फट ही गए थे। तुम हैमस्टर की तरह दिख रही थी। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मुझे शर्मिंदा मत करो। देखते हैं तुम्हें क्या मिला है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लगता है जिंदा कॉकरोच है। कुछ लोग बदनसीब होते हैं। मुझे कीड़ों से डर लगता है। अरे वाह, और यह क्या है? कोई छड़ी लग रहा है। उसने मेरे बालों का क्या किया? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है मोनिका। अब हम सब पता लगा लेंगे। हरे बाल नीले बालों से भी बदतर होते हैं। मैं अभी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा हूँ कि यह कैसे काम करता है। मेरे बाल अभी वापस लाओ। ओह, शुक्र है कि मेरे बाल अपनी जगह पर आ गए। तो यह सिर्फ एक छड़ी नहीं है, ये एक जादू की छड़ी है। इसके साथ मैं कॉकरोच से छुटकारा पा सकता हूँ। तुमने क्या किया जैक? मेरे कॉकरोच को चॉकलेट में बदल दिया। वाह, यह अच्छा है कि मेरे पास जादू की छड़ी है। मैं ऐसे कॉकरोच को मजे से खाऊंगा। यहाँ आओ, तुम बहुत स्वादिष्ट लग रहे हो। यह चॉकलेट स्नान का समय है। मुझे यकीन है यह तुम्हें और भी स्वादिष्ट बना देगा। चॉकलेट में चॉकलेट, मैं निश्चित रूप से भाग्यशाली हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छा। जैक, डरना मत, लेकिन देखो तुम्हारे कंधे पर क्या है। शायद ये सिर्फ एक चॉकलेट है, या फिर असली कॉकरोच। क्या तुम दूसरे दौर के लिए तैयार हो? अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं हो तो मैं ऐसे खोल लेता हूँ। ओह, एवोकाडो, बुरा नहीं है, लेकिन ये बेहतर हो सकता था। गमले के अंदर मिट्टी, मुझे इसकी क्या जरूरत है? मैं ये नहीं खाना चाहती। मोनिका को मिट्टी मिली है। शायद ये सिर्फ बुरा लग रहा है, लेकिन ये वास्तव में स्वादिष्ट है। बदबू आ रही है, मैं निश्चित रूप से इसे नहीं खाऊंगी। ठीक है, मैं शुरू कर सकता हूँ। एवोकाडो के साथ क्या करना है? ओह, मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसे दो हिस्सों में बांट दूंगा। बढ़िया, यह आसान था। ओह, कितनी बड़ी बीज है। वह तो है, और एवोकाडो कम है, लेकिन इन हिस्सों की मदद से मैं आसानी से चॉकलेट ले सकता हूँ। देखो कितना आसान है मोनिका। ऐसा लगता है कि वे विशेष रूप से इसके लिए डिजाइन किए गए हैं। अब मैं यह सब आसानी से पी सकता हूँ या चम्मच से खा सकता हूँ। कोशिश करने की जरूरत है। मुख्य बात है कि एवोकाडो और चॉकलेट दोनों को स्कूप करना है। यह एकमात्र तरीका है जिससे मैं पूरे स्वाद को महसूस कर सकता हूँ। पहला चम्मच मुंह में है। ओह, कितना अजीब कॉम्बो है। मैं किसी को भी इसे आजमाने की सलाह नहीं देता। मुझे तुरंत इसे चॉकलेट से धोना पड़ेगा। आशा है कि मुझे निराश नहीं करेगा। ओह हाँ, यह बहुत अच्छा है। यह तय है, कोई और प्रयोग नहीं। मुझे भी साधारण चॉकलेट से इतराज नहीं होगा। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारे पास भी मिट्टी का गमला है। बॉन एपेटिट। हो सकता है कि अगर इसमें चॉकलेट डालेंगे तो कुछ अच्छा निकलेगा। यह बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। इसे खाकर तो देखो, शायद तुम्हें यह पसंद आएगा। टिप के लिए धन्यवाद जैक। मैं तुम्हारे बिना क्या करती। मुझे इसे अपने मुंह में डालने से डर लग रहा है। छी, बकवास, मैं नहीं खाऊंगी। मुझे तुरंत अपना मुंह कुल्ला करने की जरूरत है। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें मिट्टी की मिठाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जैक, मेरे पास एक शानदार आइडिया है। मुझे एक एवोकाडो का बीज दो। अब मैं उसे अपने गमले में लगाऊंगी और वो एक पेड़ बन जाएगा। बस इस तरह से गहरी खुदाई करने की जरूरत है ताकि इसे देखा ना जा सके। और अब चॉकलेट डालो। मुझे यकीन है कि मेरा पौधा तेजी से स्वादिष्ट फल देगा।
पानी के डिब्बे में ज्यादा से ज्यादा चॉकलेट लेने की जरूरत है ताकि हमारा पेड़ और बढ़े। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे बागवानी में दिलचस्पी होगी, लेकिन मुझे ऐसा उत्साह महसूस हो रहा है कि मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। क्या तुम्हें सच में लगता है कि उससे कुछ निकलेगा? कुछ हो रहा है, मैं झील रही है। वाह, मेरा पेड़ है, देखो बड़ा हो गया, कितना सुंदर है, और इसमें बहुत सारे चॉकलेट फल भी है। अगर एक को तोड़ ले तो दूसरा उग जाता है, कितना अच्छा है ना? सच में चॉकलेट है, वाह, मुझे पता था कि मेरा काम परिणाम लाएगा। क्या तुम अपने दोस्त को थोड़ा दे सकती हो? दरअसल ये मेरे एवोकाडो के बीज से बना है, तो इस पेड़ पर मेरा भी हक है। कितना सारा चॉकलेट है, बहुत बढ़िया, मैं ऐसी चीज के सपने भी नहीं देख सकता था। वो मेरा पेड़ है जैक, उसे वापस करो। मैं ढक्कन हटाने के लिए तैयार हूँ। वाह, ये मीठी कैंडी है। एक सेकंड रुको, अंदर क्या है? ये मिर्च की तरह लग रहा है, मुझे ऐसे सरप्राइज पसंद नहीं है। देखो तुम्हें क्या मिला है। वाह, कितना बड़ा सिरिंज है, आशा है कि इंजेक्शन के लिए नहीं है। मुझे लगता है कि अंदर कुछ स्वादिष्ट है, मैं थोड़ा निचोड़ने की कोशिश करती हूँ। यह सिरप जैसा है, सुपर, मुझे आशा है कि उसका स्वाद मुझे निराश नहीं करेगा। ओह हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत स्फूर्तिदायक, लेकिन कुछ स्पष्ट रूप से गायब है। मुझे लगता है कि मुझे पता है, लेकिन सबसे पहले मैं अपने सिरप को एक प्लेट में डालूंगी। कितना सुंदर है, देखो जैक। अब जबकि सिरिंज पूरी तरह से खाली है, मैं इसे चॉकलेट से भर सकती हूँ। यह बहुत अच्छा आइडिया है। वाह, मैं वह सब चीज कर पा रही हूँ जैसा मैंने सोचा था। कुछ नया बनाने का समय आ गया है, मेरी सिरप से भी ज्यादा स्वादिष्ट। वैसे नीले और भूरे रंग एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या होगा अगर उन्हें एक सुंदर पैटर्न पाने के लिए मिलाते हैं तो? अरे हाँ, यह पानी पर पेंटिंग करने जैसा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तुमने ऐसा आइडिया कहाँ से लाया? ये बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं पता, शायद मैं बस बहुत स्मार्ट हूँ। मैं तुम्हारे तारीफों से खुश हूँ। खैर, सबसे महत्वपूर्ण समय आ गया है, यह सब खाने का समय। थोड़ा खट्टा सिरप और मीठी चॉकलेट, एक बढ़िया कॉम्बो है। मुझे भी यह खाने का मन हो रहा है। सॉरी जैक, मैं रुक नहीं सकी और खुद ही सब खा लिया, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे पास अपना लॉलीपॉप है जिसके अंदर मिर्च है। ठीक है, याद दिलाने के लिए शुक्रिया। वैसे लॉलीपॉप स्वादिष्ट है, मुझे इसे खाना अच्छा लगेगा, और अगर ऊपर से चॉकलेट डालेंगे तो यह और भी अच्छा होगा। इसके अलावा मिर्च इतनी दिखाई भी नहीं देगी, यह अच्छा है। वाह, कितना स्वादिष्ट, मैंने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं एक साधारण लॉलीपॉप के प्रति इतना आकर्षित हो जाऊंगा। स्वादिष्ट, मैं रुक नहीं सकता। ओ, ऐसा लगता है कि ये भूल गया कि उसकी लॉलीपॉप के अंदर मिर्च था। यह बहुत अच्छा था, मैं संतुष्ट हूँ। ओ नहीं, मिर्च, मैं इसके बारे में भूल गया और गलती से इसे खा लिया। अब मेरी जीभ जल रही है। मोनिका, मुझे क्या करना चाहिए? मैं जल जाऊंगा, मेरी मदद करो। मुझे पता था कि तुम्हारे साथ यही होने वाला है। पानी, मुझे पानी दो। ओह, चॉकलेट, मैं उसके बारे में कैसे भूल सकता था, यह वही चीज है जिसकी मुझे जरूरत है। अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रुको मत मोनिका, प्लीज, मुझे कुछ ठीक महसूस हो रहा है। अरे हाँ, क्या राहत है, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकी। चॉकलेट प्रेमियों के लिए हमारे पास बुरी खबर है, यह वीडियो समाप्त हो गया है, लेकिन कुछ अच्छा है, हम पहले से ही अगले की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहें।